भाई जो फर्स्ट कैमरा बता दो। हाँ भाई ये वाला भाई फर्स्ट कैमरा भाई इधर राइट नहीं आई है। सर ऐसे स्टार्ट चल ये वाला भाई को एक जगह में डाल दो। यहाँ पे देखो भाई भाई चल भाई ये वाला सही है। चल भाई यार। मैंने तो बहुत धीरे से बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो तो अच्छा लग रहे हो। यू सेड इट नो भाई यहाँ पे हाँ हाँ बोले जोर से। थैंक यू भाई विशाल यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ये थैंक यू सी ऐसे बोलते हैं इसका जवाब मेरी यहाँ की मौजूदगी दे रही है। दिस इज माई डे टू ईयर सो कल बहुत खेला है। शरीर के किस हिस्से में कितना दर्द हो रहा है काश मैं आप लोगों को बता सकता, उसके लिए शायद आधा दिन चला जाएगा। बट कल और आज हम लोगों ने इतनी मस्ती की है, इतनी मस्ती की है एंड आई होप जब सब देखेंगे तो उनको भी उतना ही मज़ा आएगा। एंड आई एम वेरी कम्पेटिटिव, मैंने 6 गेम खेली हैं उसमें से 4 जीती हैं। और किसके साथ में कॉम्पिटिशन था? सबके साथ, शांतनु वाज देयर, मानव, रुचा, देबो, सृष्टि कल थी यहाँ पे, देन निमृत, देन अभिषेक वर्मा, सो वी ऑल लाइक वो थोड़ा मिक्स होता जा रहा है सब। कौन कौन से गेम्स खेले क्योंकि हमने देखा आप तो भीगे भागे से बाहर आए थे भाई। वाटर गेम आज सुबह से हम लोग सिर्फ वाटर गेम्स खेल रहे हैं एंड नाउ ऑफिशियली आज एक वाटर गेम में उन्होंने मुझे अपने टीम का पार्ट बना लिया बिकॉज आई प्लेड दैट गेम और मैंने अपनी इज्जत खुद रखी है। एक गेम कल खेला था जो कल भी जीता आज भी जीता। सो हैप्पी। सो इसके अलावा यू नो कांग्रेचुलेशंस फॉर द सॉन्ग। थैंक यू। एनी अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच यू वांट टू शेयर विद अस? माय टू मोर सॉन्ग्स आर कमिंग। वन इज कमिंग आउट विद आरुषि निशांक शॉट बाय मिया फैजल भाई फोटो वाले एंड देयर इज वन मोर कमिंग एंड आई हैव डन अ वेब थिंग विद अनिल वी कुमार सर एंड आई एम गोइंग बैक टू शूट वेब फिल्म। सो आई होप जो भी आ रहा है मतलब इतना प्यार है अभी तक ना काम इतना टाइम से आई वॉज अवे फ्रॉम ऑल दिस ऑल्सो आई स्टिल मेरे को बहुत प्यार मिला है। सो आई वॉन्ट कि सारे फैंस अब जो भी आ रहा है उसको भी उतना ही प्यार दें। well, सना भी आज मिली है जी आपको इस सेट पर, कितने समय बाद दोनों एक साथ मिले हैं या फिर? मुझे लगता है मैं सना को कुछ 6 या 7 साल बाद मिल रहा हूँ बट मैंने अपने पहले शो का कुछ इस तरह का पहला रेडियो इंटरव्यू सना को दिया था। शी वॉज एन आरजे एट दैट टाइम और हम लोग तब से फ्रेंड्स हैं। देखिए पटाखे ना तो मैं चलाऊंगा और ना मैं चाहता हूँ कि कोई चलाए। उसके साथ साथ हमने बहुत बहुत कुछ देखा है लास्ट के 2 सालों में और उससे मैंने ये सीखा है कि खुशी का इतना सा भी मौका ना जाने नहीं देना चाहिए। सो खुद खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए और अगर आप कहीं पे भी रीज़न बन सकते हैं किसी और की खुशी का तो वो भी बनिए एंड बस एक हैप्पी और सेफ दिवाली मनाइए। अपने लुक के बारे में भी बता दें जी। ठीक है ओके। सो अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लुक भी आज का बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव है, क्या कहना चाहेंगे? सो दिस आउटफिट इज बाय
सुसना आज काफी लंबे वक्त के बाद अपने पुराने दोस्त विशाल से मिली है। हाँ, काफी। तो कैसे ये मुलाकात हुई आज? देखो, हमारा सेट कुछ रंग प्यार के का ऐसे है और एक दीवार छोड़ के यहाँ सेट जब से बन रहा है हमें पता था कुछ शो आने वाला है, मुझे नहीं पता था भारती जी का शो आने वाला है। और हर रोज इतने सारे टीवी कलाकार रोज दिखते हैं, तो कोई ना कोई, ऑब्वियसली हम सब एक ही फ्रेटर्निटी के हैं, तो हेलो। बट विशाल को देख के मैं इतना खुश हो गई, एंड ऑफकोर्स वो भी बहुत खुश हुआ। और मैंने अभी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि विशाल का पहला रेडियो इंटरव्यू मैंने किया था, विशाल मेरा पहला टीवी से कोई दोस्त है, क्योंकि मैं पहले से वार्जे थी तो मैं टीवी फ्रेंड्स मेरे थे नहीं, पर विशाल मैं फर्स्ट फ्रेंड, इसलिए मुझे उसको देख के इतनी खुशी हुई है ना, अभी हो रही है। सो विशाल ने बताया कि 6-7 साल से आप लोग दोस्त हैं, कितनी मुलाकात? ज़्यादा 6-7 साल से भी ज़्यादा ना, 6-7 साल से भी ज़्यादा दोस्त थे ना। हाँ, ज़्यादा। तो कितनी मुलाकात हो पाती है आप लोगों की? पहले हम लोग मिलते थे बहुत, मतलब जब नई नई दोस्ती हुई थी हम लोग बहुत मिलते थे, बाहर जाते थे, मूवीज़ भी जाते थे हम लोग। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अपने अपने कामों में बिजी हो जाते तो वी काइंड ऑफ लॉस्ट टच। बट इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब यू नो, जब मिलते हैं तो वैसे ही वही फीलिंग वापस आती है। सो या, एंड इज़ अ वेरी स्वीट गाय, वेरी स्वीट। शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, शो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी अभी तो मेरी एंट्री 2-3 महीने पहले हुई है, चल रहा है। इंजॉय कर रही हूँ। हाँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है,